एक बार किसान का पंजीकरण हो गया तो कर्नाटक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी करीब 100 मंडियों में बैठा कारोबारी उस दिन ट्रेड के लिए मौजूद हर कमोडिटी की पूरी लिस्ट देख सकता है। इसके बाद वो अपनी रुचि की कोई एक कमोडिटी तय कर उस कमोडिटी के पेज को खोल सकता है। इसके लिए उसे ई टेंडर पेज पर जाना होता है और उस लिंक को खोलना होता है जहां उसे हर कमोडिटी का नाम, कमीशन एजेंट का नाम, लॉट नंबर और उसकी मात्रा मिल जाते हैं। यूएमपी आने से पहले ये दिस वाज अ क्लोज्ड मार्केट। हुबली के ट्रेडर्स अगर हुबली में रजिस्टर्ड है तो उनको सिर्फ हुबली के ट्रेडर को ही अवकाश था कि यहां पे आके बिड करे। एक बार ट्रेडर अपनी कमोडिटी चुनकर उस पेज पर जाता है तो वहां जो लॉट असाइन किए होते हैं वे उन्हें हरे रंग में दिखते हैं और उनके आगे असाइन के सभी नतीजे लिखे होते हैं। सभी लॉट के आगे बोरियां, मात्रा, लॉट आईडी, कमीशन एजेंट इत्यादि का नाम लिखा होता है। स्क्रीन के ऊपर सत्र का समय भी लिखा होता है और सत्र का बचा हुआ समय भी स्क्रीन पर साफ नजर आता रहता है। यहीं कोई कारोबारी किसी भी किसान के किसी भी लॉट के लिए अपनी बोली लगा सकता है। बोली वो बदल भी सकता है लेकिन घटा नहीं सकता। यहीं ओपन ई टेंडर पेज पर हर कमोडिटी के लॉट और बोलियों की कुल संख्या भी दिखती है। हर मंडी में अलग अलग कमोडिटी के लिए बोली लगाने का अंतिम समय अलग अलग होता है। उसी लिहाज से बोली बंद होने के कुछ समय बाद सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ट्रेडर बोली जीत जाता है। होम पेज पर सभी विजेताओं की पूरी लिस्ट होती है। यहाँ कमोडिटी आईडी, ट्रेडर और कमीशन एजेंट के लिहाज से पूरी लिस्ट उपलब्ध हो जाती है। यहीं से एक बटन पर उन सभी किसानों के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ये जानकारी भी भेज दी जाती है जिनके लॉट ट्रेड के लिए उस दिन बाजार में होते हैं। बोली के विजेता की घोषणा के बाद हर किसान के पास आधे घंटे का समय होता है। अगर वो अपने लॉट के लिए घोषित कीमत पर अपना माल बेचने के लिए तैयार न हो तो ऐसी स्थिति में ट्रेड रद्द हो जाता है और वो लॉट अगले दिन के ट्रेड में फिर शामिल हो जाता है। जब उनका माल गेट एंट्री होता है उसको एक एसएमएस मिलता है, ये खातरी होता है कि भाई इसने इतना माल फार्मर मंडी में लाया है। दूसरा चीज एसएमएस जाएगा जब फार्मर का भाव पता चलेगा, जो मतलब 9 बजे से 3 बजे तक जो बिडिंग का टाइम है उस बिडिंग का टाइम पे हर जगह से ट्रेडर जो उसको बिड कर रहा है उनका जो बेहतर दी हाईएस्ट प्राइस का भाव का माहिती फार्मर को जाता है और 30 मिनट टाइम दिया जाता है उसको। तो 30 मिनट में फार्मर डिसाइड कर सकता है, निर्णय कर सकता है कि वो उत्पन्न भेजना है कि नहीं भेजना है। अब इस तरह के आधुनिक बाजार के लिए किसान कारोबारी कितनी तेजी से तैयार हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तकनीक को यूजर फ्रेंडली बनाकर किसानों के बीच प्रशिक्षण और जागरूकता फैलाकर दिया जा रहा है। पहला चीज तो अवेयरनेस ही रहता है। इसके किसानों के हिसाब से देखा जाए तो पहला किसान चाहे तो ये सिस्टम सक्सेस हो जाता है। इसके हिसाब से हम पूरा गांव-गांव में जाके पूरा गांव-गांव के अंदर फार्मर्स को इकट्ठा करके वहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे। उसका वहाँ पोस्टर्स भी दिखाए, वह टेक्नीशियंस को लेके गए, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में पूरा ट्रेनिंग दे रहे थे। इसका असर बहुत पड़ा। ऐसे मैंने टच किया तो इसमें बारे में और फसल के बारे में है सर, और सब्जियों के बारे में, जानवरों के बारे में है सर। इसमें जाके जस्ट क्लिक करे तो इसके अंदर जो कुछ भी है तो किसानों के सब्जियों के पालन कैसा कर सकते हैं, कैसा उसको उगा सकते हैं और उसको गोबर कितना डालना चाहिए, इसके सब के बारे में इंफॉर्मेशन है सर। राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज ने जिस तरह कर्नाटक में एकीकृत बाजार प्रणाली लागू की है उससे देश भर के लिए ये एक मॉडल बन गया है। दूसरे राज्य भी इसे जल्द से जल्द लागू करना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट के सीईओ मनोज राजन का दावा है कि राज्य चाहें तो सिर्फ 6 महीने में उस राज्य में भी यही बाजार काम करने लगेगा। Orissa was interested, Gujarat has looked at it, Rajasthan has looked at it over there, and then Tamil Nadu, Orissa, Andhra Pradesh. So many states are interested, they are Uttar Pradesh, they are interested in this model. So if you look at the timelines, I think so if there is a serious move by any concerned interested state, it should not take more than 6 months for them. Karnataka ka ekikrit bazar platform desh ke sabhi rajyon ke liye ek role model ban chuka hai. लेकिन सच ये भी है कि एपीएमसी मंडियां राज्यों के अंदर आती हैं और राष्ट्रीय कृषि बाजार को मुकम्मल बनाने के लिए जीएसटी के साथ साथ सभी राज्यों का सहयोग भी ज़रूरी है। बहरहाल तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक राज्यों ने जिस तरह कर्नाटक मॉडल को अपनाने के प्रति उत्साह दिखाया है उसे देखते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार का सपना जल्द ही हकीकत बनता नजर आ रहा है।
मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।